बस चंद घंटे। और चांद की ओर उड़ान भरने लगेगा हिंदुस्तान का चंद्रयान 2। और ये भी तय माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 महीने से भी कम वक्त में चांद पर उतर जाएगा चंद्रयान 2। चांद की सतह पर पहुंचकर चंद्रयान का रोवर वहां क्या क्या देखेगा, किन किन चीजों की तलाश करेगा और किस तरह की पड़ताल करेगा, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि भारत के चंद्रयान मिशन ने अमेरिका और चीन में भी खलबली मचा दी है। क्योंकि चांद मिल गया तो समझिए सब कुछ मिल गया। क्योंकि चांद पर मिलेगा पानी, चांद पर मिल सकते हैं बहुमूल्य तत्व, चांद से हो सकता है अंतरिक्ष पर कंट्रोल। और फिर अगर ये सब हासिल हो गया तो ये कुबेर के खजाने से तो कम नहीं ही होगा। क्योंकि जो भी देश चांद पर कंट्रोल कर लेगा वो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर कंट्रोल करने में कामयाब हो सकता है। सवाल ये है कि क्या भारत का चंद्रयान सबसे पहले वहाँ मौजूद खजाने की तलाश कर लेगा। सवाल ये भी है कि क्या चंद्रयान के जरिए चांद को फतेह करके दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा भारत। इन सवालों के जवाब तो बाद में आगे चलकर मिलेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि चांद की ओर भारत के बढ़ते कदम से अमेरिका और चीन की दिलचस्पी इसमें जरूर बढ़ गई है। जानना जरूरी है कि आखिर इन महाशक्तियों के लिए चांद इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। तो जान लीजिए कि आने वाले वक्त में चांद बड़े कारोबार का जरिया बन सकता है। चांद पर बेशकीमती धातुएं पाए जाने की उम्मीद है। अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं चंद्रमा पर ही निकाली जाएंगी। चांद पर हीलियम-3 भी पाए जाने की संभावना है, जिससे ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। माना जाता है कि चांद पर बर्फीले पानी का भंडार है, जिसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर फिर स्वच्छ रॉकेट ईंधन बनाना आसान होगा। मंगल ग्रह का रास्ता भी चांद से ही होकर जा सकता है। मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरकर ईंधन ले सकेंगे। चांद पर स्टेशन और वेधशालाएं बनाकर अंतरिक्ष में नजर रखना आसान होगा। चांद पर स्टेशन बनाकर अंतरिक्ष में मौजूद संसाधनों को हासिल करना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो काम धरती पर रहते हुए करना बेहद मुश्किल है, उन्हें चांद से अंजाम देना बेहद आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि 50 साल बाद अमेरिका की भी दिलचस्पी चांद में बढ़ गई है, जबकि वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों में आगे रहने वाला चीन भी इस क्षेत्र में पिछड़ना नहीं चाहता। आपको बता दें कि चीन ने 11 जनवरी 2019 को चांद के दूरस्थ छोर पर अपना स्पेसक्राफ्ट चांग-E4 उतारा था। इससे पहले चांद के उस इलाके में कोई और देश नहीं पहुंचा था। चीन इस साल के अंत में चंद्रमा पर रोबोट भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन अगले 5 वर्ष में चांद पर अपना स्पेस स्टेशन बनाने की फिराक में भी है। इसके बाद वो वहां इंसान को भी भेजेगा। चीन के साथ साथ अब भारत समेत कई देश मून मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मून मिशन को नए सिरे से लॉन्च किया है। अमेरिका ने 2024 तक एक बार फिर चांद पर इंसान भेजने का ऐलान किया है। तो अमेरिका की दो प्राइवेट कंपनियां एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी है। माना जा रहा है कि मून मिशन के जरिए दुनिया के देशों के बीच अंतरिक्ष में नए होड़ शुरू होगी और इसके पीछे कई आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और भू राजनीतिक कारण काम कर रहे हैं। इस वक्त अंतरिक्ष से जुड़े कारोबार की ग्लोबल GDP में $350 अरब की हिस्सेदारी है, जबकि माना जा रहा है कि ये 2040 तक $1.4 खरब हो जाएगा। यानी दुनिया में अंतरिक्ष से जुड़े कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और अगर भारतीय, अमेरिकी या चीनी अंतरिक्षयान चांद पर उपयोगी खजाने की खोज कर सकें, तो फिर समझ लीजिए कि चांद का सफर कितना फायदेमंद हो जाएगा।